हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेवई का रायता। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप रोस्टेड पतली वाली सेवई। आप मोटी वाली सेवई भी ले सकते हैं। इसे घी या रिफाइंड में रोस्ट कर लीजिए। तो चलिए सेवई को रोस्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और मीडियम फ्लेम में एक चम्मच घी डालेंगे। इसमें सेवई डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक सुनहरा होने तक रोस्ट कर लेते हैं। इसे मध्यम आंच में ही रखेंगे। अब ये रोस्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेवई रोस्ट करने के बाद गोल्डन ब्राउन सुनहरे रंग की हो गई है। हम इसे पानी में के लिए उबाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में अब हम इसे सेवई डाल के लगभग आधा मिनट उबालने के बाद इसे हम छान लेते हैं। सेवई को हम छान के निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोस्टेड सेवई को उबलते हुए पानी में उबाल के छान लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 कप गाढ़ी फेटी हुई दही, आधा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच किशमिश और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम दही डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किशमिश, नमक स्वाद अनुसार और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। हम इसमें रोस्टेड उबली हुई सेवई डालेंगे। इसे हम मिला लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे सर्व करते हैं। इसे किशमिश और रोस्टेड सेवई से गार्निश करके सर्व कर देते हैं।